माँ काली, दोस्तों, माता रानी सदा आप सभी पे कृपा बनाए रखें। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और हंसते खेलते हमेशा आप लोग रहिए। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, सब काम हो चुका है, तो अभी खाना की तैयारी करने जा रही हूँ। तो अभी टाइम 7 बज चुका है, तो अभी खाने में आप सभी को मालूम होगा कि हम सब का फेवरेट मन पसंदा कटहल का सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ। आप लोग को भी बहुत पसंद होगा कटहल का सब्जी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम बनाना। आप लोग देख सकते हैं ये कटहल है। कटहल को अभी हमने छील करके अभी उबालेंगे, तो थोड़ा सा हाथ में ये सरसों का तेल लगा लें, क्योंकि इसका दूध जो होता है वो हाथ में चिपकता रहता है, इसलिए लगा के ही काट लें। तो देखिए अभी मेरा कटहल छील के हो चुका है, काट ली हूँ और इसको गर्म पानी में थोड़ा सा मिक्सी लगाऊंगी, गर्म पानी में उबाल के फिर ये चार कांदा है बड़ा होगा, इसको काट करके डालने का है। तो देखिए मैं सब्जी में, कटहल के सब्जी में खारा मसाला दूंगी। तो ये धनिया है, साबुत धनिया, लहसुन, लाल मिर्ची, लौंग, इलायची, जीरा। तो आप जितना बनाएंगे उस हिसाब से आप मसाला डालिए। तो ये तेजपात, 3-4 तेजपात है, साबुत धनिया, लहसुन, लाल मिर्च, लौंग, इलायची, आपको अच्छे से मिक्सी में पीस लेनी है। और पीस करके अभी मैं अच्छे से आपको पीसना है, पीस करके फिर अच्छे से इसको भूनना है। तो राई का तेल डालना है आपको, राई को तेल डालकर फिर आपको अच्छे से कटहल को भूनना है। आप अच्छे से भून लें, भून कर नीचे उतार लें। अच्छे से भून के नीचे उतार लें, फिर आप इसमें तड़का जीरा को लगाएं। आप देख रहे हैं अच्छे से भुन चुका है। फिर मैं इसमें जीरा और तेजपात का तड़का लगाऊंगी। फिर लगाने के बाद इसमें मसाला डाल देना, तड़का लगाकर 4 कटा हुआ प्याज, और इसको अच्छे से भूनना है मुझे। अच्छे से भून जाएगी तो उसको फिर इसमें मसाला डालूंगी। फिर इसको अच्छे से आपको 5 मिनट तक मुझे मसाले को भूनना है और अच्छे से पकाना है, फिर इसमें मुझे सब्जी छोड़ना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मुझे ये अच्छे से अभी भुना नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मुझे अच्छे से पकाना है मसाले को, जब तक कि प्याज गल ना जाए। अच्छे से प्याज गल जाएगा, पक जाएगा, तो फिर इसमें मैं सब्जियां
डालूंगी। तो 5 मिनट के लिए देखिए, 5 मिनट हो चुका है, सब्जी मसाला अच्छे से भुन चुका है। फिर अभी मैं इसमें सब्जी डालूंगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अच्छे से ये तेल देखिए ऊपर निकल रहा है। अभी मैं इसमें आलू और कटहल और आलू 5 आलू दी हूँ, इसमें मिक्स कर ली हूँ। इसको अच्छे से मुझे भुनना है, कम से कम 2 से 3 मिनट मुझे इसको भुनना है अच्छे से। भून के इसमें अभी जल डालना है। जितना ये अच्छा भुनेगा उतना अच्छा सब्जी इसका बनता है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। जबकि आप पीस कर देंगे मसाले तो बहुत ही अच्छा और स्वाद इसको निखर के आता है। और अभी सीजन है, नया सीजन है, अभी बहुत स्वाद रहता है ये कटहल में। तो आप लोग ज़रूर बना के खाइए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग कैसे आपको लगा। तो इसमें अभी मैं देखिए रस अभी जल डाल रही हूँ, इसमें अभी थोड़े 5 मिनट इसको अच्छे से मुझे अभी जल देकर पकाना है। देखिए आपको कलर भी कितना मस्त लग रहा होगा, बहुत अच्छा ही बहुत अच्छा बनता है। आप अच्छे से अगर बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट, और आप नॉनवेज भूल जाएंगे इसके सामने, इतना अच्छा खाने में लगता है। ऊपर से धनिया डाल रही हूँ, ये बन चुका है देखिए, बहुत ही अच्छा बना है। एकदम खुशबू बहुत मस्त आ रही है इस सब्ज़ी में। इसको मिक्स करके अभी हम बंद कर देंगे गैस को। तो देखिए बन चुका है अभी गर्मा गर्म। अभी